जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं आपके लोकेशन पे आ चुकी हूँ। आप पूरे एक घंटे से मुझे घुमा रहे हो, आप हो किधर? अरे भाई क्यों पीछे पड़े हो? तो मैं खुद परेशान हूँ। आप इस महीने ना आपको पैसे नहीं दे पाऊंगी। पैसे नहीं दे पाएगी? नहीं। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तू अपनी सगी बहन से धंधा करवाएगा साले कुत्ते? वही है ना जो अपनी बहन के पैसों पे पलता है साले कुत्ते। वो चाहे धंधा करे और चाहे वो कुछ भी करे, मुझे बस पैसा चाहिए। रिपोर्ट करवाऊंगी, मैं जा रही हूँ पुलिस में। भाई यहाँ पे ना एक स्विगी वाली लड़की खड़ी है और मैं सोच रहा हूँ इसके बाद जाके एक प्रैंक करूँ बढ़िया सा और देखते क्या रिएक्शन आते। और काफ़ी टाइम से यहीं पे घूम रही है, मतलब लगता है किसी को वेट कर रही है। तो देखते हैं पता नहीं बुला लिए और होता नहीं, बिजी। जी हेलो सर, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं आपके लोकेशन पे आ चुकी हूँ, कब से मैं वेट कर रही हूँ आपका। आप कभी इधर घुमा रहे कभी उधर घुमा रहे, आपका लोकेशन तो यहीं पे जा रहा है। तो सर बता तो दो आप हो किस साइड? मैं अंदर एंटर ले चुकी हूँ पार्क के, आप पूरे एक घंटे से मुझे घुमा रहे हो, आप हो किधर? सर देखो मुझे और भी ऑर्डर देने हैं, आप प्लीज बता दो आप हो कहाँ, मैं लेट हो रही हूँ। मैं आपके ही ऑर्डर के चक्कर में तो नहीं रहूंगी ना। लोकेशन तो यहीं का दिखा रहा है, आप हो किस साइड? सर यहाँ पे देखो एक ब्लू कलर की कार खड़ी है, व्हाइट भी कार है सामने से, आप बता तो दो हो किस साइड? भाई किसी को ऑर्डर डिलीवरी करने के लिए आ रखे है और कस्टमर इसको घुमा रहा है शायद। सर देखिए प्लीज घुमाइए मत, मेरे लिए मेरा टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे और भी ऑर्डर करने हैं, आप बता दो प्लीज घुमाओ मत। मतलब ऑर्डर वगैरह डिलीवरी करने के लिए तो हो किसान, मैं आपका ही तो देख रही हूँ, आप हो कहाँ? आपका तो यहीं पे लोकेशन खत्म हो रहा है ना। भाई बात करो क्या एक बार, ऑर्डर मैं ही ले लूं? ये फोन क्यों काट रहे हैं? सर देखिए प्लीज फोन मत काटिए, आप बताइए आप प्रॉपर हो कहाँ? आपका लोकेशन यहीं पे खत्म हो रहा है लेकिन आप दिख नहीं रहे हो क्या? सर प्लीज देखिए ऐसा मत कीजिए, मुझे और भी ऑर्डर्स देने हैं, आप बताओ आप हो किधर? मैं यहीं आपके लोकेशन के पास ही खड़ी हूँ। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे फूड कोर्ट है आसपास? पता नहीं मैं यहाँ पे नहीं हूँ। अच्छा। मैं किसी को ऑर्डर देने आई हूँ। अच्छा। सर मैं आपके ऑर्डर्स लोकेशन पे हूँ, जहाँ क्या आपने लोकेशन दिया है मैं सेम वही लोकेशन। पिज्जा वगैरह मिलता? अरे भाई क्यों पीछे पड़े हो? तो मैं खुद परेशान हूँ, आप मेरे से पूछते जा रहे हो। मैं खुद नया आया हूँ ना, तो आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप कहीं और जाके पूछे ना होगा, कोई बता नहीं रहा। सर प्लीज आप बता दीजिए आप हो कहाँ पे, मुझे प्रॉपर लोकेशन तो दो। आपका लोकेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है बट आप दिख नहीं रहे हो कहीं पे। मुझे और भी ऑर्डर्स देने, एक ही ऑर्डर्स नहीं है मेरे पास। आसपास कोई पनवाड़ी की शॉप है? क्या है आपको, क्या आपको क्या मैटर क्या है आप बताएं जरा। अरे मैं यहाँ पे नया आया हूँ। तो मैं भी तो नहीं हूँ, मैं बोल तो रही हूँ मैं नहीं हूँ। आप तो स्विगी में काम करते हो, आपको तो पता होगा ना। तो स्विगी में काम करते हो, अभी मेरा दिमाग खराब है देखिए। अभी क्या हुआ, मतलब कोई दिक्कत? अरे दिक्कत है, क्या बात हो गई? हेलो सर देखिए आप मुझे प्रॉपर बताइए आप हो कहाँ पे? ऑर्डर डिलीवरी करने के लिए। क्या मतलब ऐसे कैसे आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं? आपको पता है मैंने पूरे एक घंटे इसमें व्यस्त। सर देखिए प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, सर ऐसा मत कीजिए, ऑर्डर कैंसिल मत कीजिए, मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। मुझे और भी लोकेशन पे जाना था बट मैं आपके यहाँ टाइम वेस्ट की हूँ, जब मैं आपके लोकेशन पे आ गई तो आप कैंसिल कैसे कर सकते हैं? सर देखिए प्लीज आप मेरी मजबूरी समझिए सर, ऐसे मत कैंसिल मत कीजिए, आप बताइए तो। मैं लेट भी नहीं हूँ, अपने प्रॉपर टाइम पे आई हूँ, फिर भी आप कैंसिल क्यों कर रहे हैं? मैं बात कर लो एक बार, परेशान कर रहा कोई आपको? अरे नहीं आप एक
जाए या फोन काट दिया इन्होंने। मैं कर लूँ बात अपने फोन से, फोन कर लूँ। एक सेकेंड सर। फोन नहीं उठा रहा। मेरे को दे दो, मैं कर लूँ, कॉल कर लूँ मैं। सर क्या ऑर्डर डिलीवरी करने के लिए आ रखे हो? मेरा फोन नहीं उठा रहे सर। एक घंटे से, पिछले एक घंटे से मुझे इतना परेशान कर रहे हैं। ऑर्डर कर लिया है फिर भी नहीं। नंबर अमान्य है। अमान्य स्विच ऑफ कर लिया इसने। नंबर की जांच कर ली। नंबर तो स्विच ऑफ कर लिया। मुझे और भी ऑर्डर से देने में लेट हो रही हूँ। एक घंटे से ये बंदा मुझे घुमाया, अब ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। कितने का ऑर्डर है? मैंने चेक नहीं किया है। 382 का। अच्छा तो अभी अगर आप फूड वहाँ नहीं पहुँचाओगे तो पैसे आपके कटेंगे? जी वो मेरे पैसे कटेंगे। मेरे पैसे कट गए ना तो मुझे बहुत बड़ी फैमिली मैटर हो सकता है। आप तो इतने बड़े नहीं लग रहे हो, तो आप ये स्विगी में क्यों काम करते हो डिलीवरी का? सर वो मेरा घर का मैटर है, प्लीज़ अभी मैं परेशान हूँ, पता नहीं। कोई नहीं, मैं आपको ये पैसे पे कर दूँ। आप क्यों पे करोगे? आप क्यों आप परेशान लग रहे हो ना मुझे, क्या बात है? मेरी मजबूरी है ना, इसलिए परेशान हो रहे हैं। मेरे पैसे कट जाएंगे यार। आप वो फूड मुझे दे दो, मैं आपको कर देता हूँ। कस्टमर ने कुछ गलत रिव्यू भी डाल सकता है क्या इसमें? पता नहीं, मतलब आप वो ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना आगे कि आप उनको ऑर्डर देने के लिए नहीं आ रहे हो। मैंने तो उन्हें बोला है मैं यहाँ पे हूँ कब से, पिछले एक घंटे से। आप भी थे ना, भी पूछ रहे थे, मैं पिछले एक घंटे से। यहाँ गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ पे आ जाओ। आप एक बार दोबारा कॉल करके देखो, फोन उठा रहे नहीं उठा रहे। यहाँ से तो स्विच ऑफ जा रहा, नहीं लग रहा। स्विच ऑफ कर दिया? ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, वो फ्री के चक्कर में बुला लेते हैं ना, और उसके बाद फोन नहीं उठाते, है ना, होता है ना ऐसा। मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर मैं एक दिन में मेरे पैसे कट गए ना तो मुझे मेरे घर में बहुत बड़ा मैटर हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, मतलब सॉरी मैं आपको ये पैसे दे दूंगा अभी के अभी? नहीं सर, मुझे मेरे काम के ही पैसे चाहिए, मैं ऐसे किसी से पैसे नहीं ले सकते। तो कोई नहीं, अब दिक्कत परेशानी हो गई, वो फूड मुझे दे दो, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। फिर वो अगर कोई मतलब इशू किया वो मुझे नहीं पता, आगे अगर आपकी कोई वो कंप्लेन कर देगा तो। कंप्लेन करेगा ना, फिर वैसे मेरी आप ये काम क्यों करते हो? मतलब स्विगी का क्या 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 एज है आपकी? 21-22 लग रहे हो। 20 है मेरी एज। 20 है, तो ये क्यों काम कर रहे हो आप स्विगी में? पढ़ते लिखते नहीं हो आप? पढ़ती थी बस, मेरी मजबूरी है सर। घर में कौन है आपके, मम्मी पापा और? कोई नहीं, एक भाई है। मम्मी पापा नहीं आपके? नहीं, तो मुझे पता नहीं ही नहीं मम्मी पापा। आप यहाँ पे आओ, आराम से बैठो, इधर आओ आप, आओ 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 आओ, बैठो आप बैठो। फोन तो उठा नहीं रहा बट आप फोन कर रहे हो। पता नहीं क्यों नहीं फोन उठा रहा। आप बैठ जाओ, आप पानी ले आओ आपके लिए। नहीं नहीं इट्स ओके। क्या हुआ, मम्मी पापा कहाँ रहते हैं आपके? मम्मी पापा, मैंने मम्मी पापा को नहीं देखे बचपन में, पहले मम्मी गुजर गई होंगी, उसके बाद पापा, मैंने पापा मम्मी को नहीं देखे। मम्मी पापा है ही नहीं आपके इस दुनिया में? नहीं। और आप स्विगी में काम करते हो? अच्छा आपको पता ही नहीं है मम्मी पापा है नहीं है? नहीं, मेरा एक बड़ा भाई है, मैं उनके साथ ही रहती खाती थी, अभी वो लखनऊ में काम कर रहे हैं। अच्छा आपका बड़ा भाई लखनऊ में, तो यहाँ पे आप दिल्ली में अकेले रह रहे हो अभी? जी। मतलब आपको ये नहीं पता आपके मम्मी पापा जिंदा हैं या नहीं है? नहीं पता मुझे। नहीं पता आपको? और आपका भाई पहले आपके साथ रहता था, वो लखनऊ रहने लग गया? जी। और आप दिल्ली में अकेले रहते हो? जी मैं तो काम करते हूँ ना, जॉब करती हूँ। अच्छा स्विगी में जॉब करते हो और अपना खर्चा यहीं से निकालते हो आप? अपना खर्चा का तो इतनी मुझे टेंशन नहीं होती, मैं तो मेरे भाई, अगर मेरा पैसा एक रुपया कम हो गया वो उठा क्यों नहीं? क्या हुआ, क्या भाई क्या करेगा आपको? अगर मैंने पूरे खर्चे नहीं दिए ना मंथली उनको, तो मैं 20,000 का मंथली लेता है वो, अगर मेरे पैसे खर्च। एक तो ये पता नहीं ये लड़के लोग बुला लेते हैं, मेरे साथ ऐसा 2 बार हो चुका है। अच्छा और तो ये कंपनी भी पैसे काट दिया आपसे? हाँ, अब तो उन्होंने मुझे ये किया है, बोला है, वार्निंग किया कि अगर आपसे ऐसा हुआ ना तो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, अगर जॉब से मैं निकल गई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे स्विगी में कितना कितना कमा लेते हो आप महीने का? मैं ऐसे अगर जैसे ज़्यादा ट्रेवल वाले कर लेती हूँ, ज़्यादा दूर तक मैं काम कर लेती हूँ, तो 20,000 से ऊपर कमा लेती हूँ, 20-25,000। तो 20,000 तो आपका भाई ले लेता?
25,000 तक चला जाता है। तो उसके 25... बाद आप अपना कैसे खर्चा चलाते हो? बस मैं अपना तो कैसे भी करके कर लेती हूँ। अच्छा, तो अभी क्या आप किसी और ऑर्डर पे जाओगे या फिर इसको फोन करते रहोगे? आप एक बार दोबारा कॉल करके देख लो, कस्टमर फोन उठा रहा। स्विच ऑफ जा रहा। तो भाई आपसे 20,000 रुपये क्यों लेता? वो बचपन से ही ऐसा है। अब रो मत ना, अब रोगे तो कैसे पता लगेगा। आप बैठो, आओ बैठो। पानी ले आऊं आपके लिए? हैं, पानी पीना आपको? मैं परेशान हूं, मुझे दूसरे ऑर्डर पे। आपका भाई आपसे पैसे क्यों लेता है? महीने के 20,000 रुपये क्यों लेता? जब से मैं बड़ी हुई, छोटे से ही उम्र से वो मुझसे काम करवाता है। आपका बड़ा भाई आपसे काम करवाता है? और आपके मम्मी पापा इस दुनिया में जिंदा है नहीं? मुझे नहीं पता वो जिंदा है या नहीं है। मैं बचपन से भाई के साथ ही रहती आई हूँ, जब से बड़ी हुई तो मुझसे काम करवाते, जॉब करवाते मार्केट के। तो आपने कभी अपने भाई से ये पूछा है कि मेरे मम्मी पापा जिंदा हैं या नहीं है, और आप मुझसे ये काम क्यों करवाते हो, मुझसे पैसे क्यों लेते हो? बोलते अपने काम से काम रख, मारने लग जाते हैं, इसलिए मैं उनसे ज्यादा सवाल नहीं करती। अच्छा, अगर आप महीने के पैसे अपने भाई को ना दो तो क्या करता आपका भाई? वो तो आके मुझे मारने पीटने, देखो अपने सिगरेट से जला रखा है। सिगरेट से जला रखा? तो ये सिगरेट का निशान है जिससे आपके भाई ने आपको जला रखा? जी, वो बहुत बुरी तरह का मारता है, बहुत बुरी तरह का, इसलिए मैं उसी की बात सुनती हूँ। अगर नहीं ये करूँगी तो घर से निकाल देगा, कमाने भी नहीं देगा, बांध के रखेगा। तो आपका सगा भाई है? अपना खुद का भाई है। तो अपनी सगी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकता है वो? बस मेरे बड़े भाई है इसलिए मैं उनका बात सुनती हूँ। फिर अगर आप उसको पैसे नहीं दोगे तो अब मतलब पूरी जब तक आप जीवन में रहोगे उसको पैसे देते रहोगे आप? कभी आप बीमार पड़ गए, कुछ आपको हो गया तो वो आपको देखने के लिए भी आएगा? यहाँ कहाँ रहते हो आप? दिल्ली में कहाँ रहते हो? यहाँ जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी रहते हो? अकेले रहते हो? जी। कमरा ले रखा है अपना? घर है, कमरा ले रखा है 4,000। 4,000 रुपये किराया कमरे का? जी। तो यहाँ से काम करके अपने घर में जाते हो जहांगीरपुरी में, है? तो एक बात बताओ, आप अपने भाई को कब तक पैसे देते रहोगे? क्या करो भाई, मजबूरी, अगर नहीं दूंगी तो वो मुझे कच्चा चबा जाएगा, मारता पीटता है, अब कोई भी मार के डर से तो करेगा ही ना, हाथ से काम नहीं कर रही हूँ मैं। कितने साल हो गए आपको ये स्विगी का काम करते, अलग अलग काम करते हुए? 4-5 साल हो गए। मतलब बचपन से, जब से आप नाबालिग हो जब से आपका भाई आपसे काम करवाता है? 16-17 साल से मैं काम। एक तो आपको ये नहीं पता आपके मम्मी पापा जिंदा है नहीं जिंदा, और ऊपर से आपका सगा भाई आपसे 5 साल से काम करवाता है और आपसे ही पैसे लेता है। खुद कुछ काम करता नहीं करता वो? पता नहीं मुझे, वो तो बोलता है मैं भी काम करता हूँ लेकिन मैं आज तक देख। तो 20,000 रुपये आपसे क्यों लेता जब वो अपना काम करता है? और ऊपर से जो 5-7-8,000 रुपये बचते उससे आप अपना घर का किराया देते हो, रूम रेंट, और बाकी आप कर लेते हैं? जी, लेकिन इस बीच में मुझे कस्टमर धोखा दे जाते हैं तो मेरी इतनी बड़ी नुकसान होती है। अब तो सर ने, जो मेरे बॉस हैं वो, उन्होंने तो मुझे वार्निंग दी है कि अब से ऐसा कुछ हुआ ना तो तुझे जॉब से निकाल दूंगा। उनको लगता है कि आप गलत हो, आप टाइम पे नहीं पहुँचते, हाँ, जबकि कस्टमर खुद फ्रॉड करते हैं, फ्री का खाना लेने के चक्कर में फ़ोन नहीं उठाते, फिर बोलेंगे कि आपको आधे घंटे से ज़्यादा हो गया तो फ्री में ले लेंगे, है ना? एक बात बताओ, आप अपने भाई को फोन करके बोलो ना कि इस महीने में आपको पैसे नहीं दे पाऊंगी। नहीं भाई, अब मुंह मार डालेगा मुझे, मैं ऐसा। क्यों मार डालेगा? आपने कभी कंप्लेंट नहीं कराई उसकी? नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती, भाई है मेरे, उसे कंप्लेंट कर सकती। अच्छा, वो आपका सगा भाई है जी, आप उसको सगे भाई की तरह ट्रीट कर रहे हो, कभी आपको लगा है कि वो आपको सगे भाई की तरह ट्रीट करता है? नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोना है। मोना नाम है। भाई का क्या नाम है? भाई का अजय। अजय नाम है। अच्छा, तो एक बार आप कॉल करके उसको बोलो के भैया इस महीने में आपको पैसे नहीं दे पाऊंगी। लेकिन वो बहुत बोलेगा, अरे गाली देता है। आपको पता तो लग जाएगा ना कि वो आपका सगा भाई है भी नहीं, क्या पता आपके मम्मी पापा जिंदा है नहीं जिंदा, क्या पता वो आपका सगा भाई है नहीं जिंदा। आपको नहीं पता ना आपका सगा भाई है नहीं, क्या पता उसने आपको किसी और से खरीद लिया हो बचपन में इसलिए आपसे काम करवा के ये सब करवा रहा हो। कोई भी सगा भाई अपनी छोटी बहन से काम करा के ऐसे उसके साथ नहीं करेगा।
आप रोड के आगे बैठ के रो रहे हो, बताओ, खाना डिलीवर कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसके बाद भी वो आपको सिगरेट से जलाता है, बताओ ये कोई हरकतें होती हैं? सिगरेट से जलने का निशान है ना पूरा। फिर कॉल करो, आप उसको बोलो भैया मैं आज के बाद आपको पैसे नहीं दूंगी, मैं अपना काम कर रही हूँ और अपने जीवन में अपनी शादी भी करनी है नहीं करनी, या ऐसे ही ऐसे बिना शादी के रहोगे? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे मम्मी पापा जिंदा है नहीं जिंदा, तुम्हारे जब बच्चे होंगे तो उनको तो तुम्हें पढ़ाना लिखाना नहीं लिखाना। वो मेरी शादी करेगा ही नहीं, बोलता तेरी शादी नहीं करूँगा। तो आपको अपना मन नहीं है शादी करने का? आपकी कोई दोस्त वगैरह भी नहीं है, बस काम करते हो? मुझे टाइम ही नहीं मिलता अपने काम से। आप उसको फोन करके तो इतना तो बोलो कि उसके बाद मैं बात कर लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं हैंडल करूंगा उसको। कॉल करो, आप अपने भाई को कॉल करो। हेलो। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते बहन, कैसी है? ठीक हूँ भैया। क्या हुआ, रो क्यों रही है? इस महीने ना आपको पैसे नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास पूरे पैसे नहीं हुए। क्या, पैसे नहीं दे पाएंगे? नहीं। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हैं? मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा इसलिए किया था, तुम्हें पता नहीं मुझे पैसे चाहिए जरूरत में पैसे की? भैया आप भी तो काम कर रहे हैं ना, तो फिर पैसे की क्या? मैं वो नहीं पता, मुझे तुम्हारी फालतू बकवास नहीं सुननी, ठीक है? मुझे पैसा चाहिए अभी। तो अभी मेरे पास पैसे नहीं हुए भाई, इस महीने नहीं दे पाऊंगा। तो जानती है मैं क्या करूंगा, जानती है अच्छे से तेरा क्या हाल होगा, तो जानती है, सोच नहीं सकती होगी ना, इसलिए मुझे पैसा दे दे चुपचाप से, मुझे पैसा चाहिए बस। इस महीने मेरे से नहीं हो पाए, कहाँ से ला? बंद कर, मैंने क्या बोला, मुझे पैसा चाहिए, कुछ भी कर, अपनी ऐसी तैसी करा, मुझे पैसा चाहिए बस, ठीक? समझ आ रही है? बोलो मेरे मम्मी पापा को। अरे कि नहीं, वैसे अब हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं? अरे मम्मी पापा गए, जो गए ठीक है, मेरे को पैसा चाहिए। मैंने कहा ज्यादा बहस मत कर, अन्य मैं आ गया ना तो मुझे ज्यादा भी, मुझे फिर दो दिन लगेंगे आने में और मैं तेरा धजी उड़ूंगा, जान क्यों भाई? मुझे ना शक होता है कहीं आप मेरे भाई। मुझे नहीं पता, मुझसे बहस मत कर, मैंने क्या बोला, मुझे पैसा चाहिए अभी, चाहिए पैसे। इस महीने नहीं हो पाएगा, मेरे पास पैसे नहीं है। सब जरूरत है इस टाइम, मुझे पैसा डाल देती। तो आपको तो हर महीने भी जाती हूँ ना, तो क्या करते हैं आप पैसे? मुझे नहीं पता, डालती है ना, तो जो ये पाल पोस के बड़ा किस लिए किया मैंने, मुझे पैसे की सब जरूरत है मुझे। तो इस महीने नहीं हो पाया भाई, मैं दे दूंगी अगले महीने। मुझे पता, तू कुछ भी कर, तू मेरे तरफ से तू धंधा कर, तू मर्जी कर, मुझे पैसा चाहिए बस, समझाई? अपनी अपनी सगी बहन से धंधा करवाता है क्या तू? कौन है तू? मैं कोई मर्जी बात कर रहा हूँ, तू अपनी सगी बहन से, तू अपनी सगी बहन से धंधा करवाएगा साले कुत्ते? ओए बोल कौन रहा तू? मैं कोई मर्जी बोल रहा हूँ, क्यों है तू? कौन है तू? कौन है तू? वही है ना जो अपनी बहन के पैसों पे पलता, वही है ना जो अपनी बहन के पैसों पे पलता है साले कुत्ते? तेरे जैसे बहुत देखे मैंने, तमीज से क्या बोलूं, अपनी बहन के पैसों, अपनी बहन के पैसों पे नहीं पलता तू? मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। तो मर्जी पता है किन की होती है, जो रोड पे खड़े होते, तू भी रोड पे खड़ा होता। मैं कह रहा हूँ तू वही है ना जो अपनी बहन के पैसों पे पल रहा है, वो भी अपनी छोटी बहन के पैसों पे। और अगर तेरी बड़ा कोई एहसान करा, तेरे माँ बाप ने भी तो तेरे को उपाल पोस के बड़ा करा था, तेरे से तेरे माँ बाप धंधा करवा रहे हैं क्या? वो तो चले गए दोनों, ठीक है चले गए, या फिर तूने इधर उधर करके इसको खरीद लिया, क्या करा तूने? मुझे पैसा चाहिए बस। तेरे को पैसा चाहिए ना, तू एक काम कर, दिल्ली आ जा, लखनऊ से इधर आ जा मेरे पास, मेरे पास आ, मेरे से ले पैसा। अरे तू मेरे से पैसे लेना, तू तू होता कौन है अपनी बहन से धंधा करवाने वाले साले? तेरी मर्जी, मर्जी पता है किनकी होती है, जो रोड पे खड़े होते, तू रोड पे खड़ा होता। मैं पैसे चाहिए ना, तू एक काम कर, लखनऊ से आ जा, तेरे को 20 की जगह 40,000 रुपए दूंगा, तू आ जा। तू देगा? हाँ मैं दूंगा तेरे को। मेरी औकात बहुत कुछ है, तेरी इतनी तेरी ऐसी सीधी हालत कर दूंगा ना, आज के बाद तेरे को पैसे के नाम से भी डर लगेगा। धमकी नहीं दे रहा, तेरी असलियत बता रहा हूँ, तू जिस लायक है, तू जब आएगा तब बात करियो ना। एक बार बता, तेरी बहन जब से नाबालक है तब से काम करती है स्विगी में, तू उससे हर महीने 20,000 रुपए लेता?
मेरी बात सुन, उसका हिमायती बन के आया तो एक कान खोल के बात सुन ले। वो चाहे धंधा करे और चाहे वो रोड पे बैठे और चाहे वो कुछ भी करे, मुझे बस पैसा चाहिए। अच्छा एक बात बता, तू अपनी बहन से धंधा करवाते हुए तेरे को शर्म नहीं आएगी? काहे की शर्म, मेरे मेरे भाई खर्चे बढ़ गए भाई, मुझे पैसे की जरूरत है। अच्छा एक बात बता, तेरे में इंसानियत है नहीं है? मतलब ये तेरी बहन है, तू अपनी बहन के लिए बोल रहा है? कल के दिन तेरी अगर बेटी होगी तो बेटी के लिए क्या क्या करेगा? अरे मेरे तो छोड़ तू, मैं कह रहा तू दे दे। हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ आजा दिल्ली, 20 की जगह 40,000 रुपए दूंगा तेरे को, तेरी बहन के साथ बैठा हुआ हूँ, बता। तो मतलब मेरी बहन लग रहा है, मुझे लग रहा है गुलछर्रे उड़ा रही है। तो तू कम है, तू अपनी बहन से जब धंधे करवा सकता है तो तेरी बहन किसी लड़के के साथ नहीं बैठ सकती है? अजय डिंगराव नाम है मेरा, बता क्या कर लेगा? अजय डिंगरा प्रधानमंत्री है क्या? प्रधानमंत्री तो मैं हूँ ही नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने तो तेरी तरह बोला भी नहीं कि तू मुझे जानता है नहीं जानता। मैं खुद को जानता हूँ कि तेरे जैसे बेवड़े को सीधा कर सकता हूँ, मैं खुद को जानता हूँ तेरे जैसे बेवड़े को सीधा कराना मेरे को अच्छे से आता है। ठीक है ठीक है, रुक मैं आ रहा हूँ। ठीक है हाँ, तो ऐसे ही आ जाएगा, पैदल आ जाएगा साले, बहन के पैसों पे पलने वाले, उसे तो बताऊंगा मैं, किसको बता। अच्छा एक बात बता, तेरी बहन जहांगीरपुरी रहती है? ठीक है मान ले तेरी घर, तेरी बहन को मैंने कोई और नया घर दिलवा दिया, कहाँ ढूंढेगा अपनी बहन को? और ये नंबर बंद करवा दिया, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा भाई है जो तुमसे धंधा करवा रहा है? भाई से बोल दो, मैं इसके नाम से रिपोर्ट करवा रही हूँ। क्या बोलो, बोलो ना, डरो मत, बोलो। मैं तुम्हारे नाम से रिपोर्ट करवा रही हूँ। तू मेरे नाम से रिपोर्ट कराएगी? हाँ। अच्छा जी, अब तो मेरे साथ भैया भी साथ देने वाले हैं, पहले कोई नहीं था ना, तुमने बहुत फायदा उठाया मेरा, लेकिन अब रिपोर्ट करवाऊंगी, मैं जा रही हूँ पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने। मेरी बात सुन, तो जानती नहीं मैं क्या करूँगा, तो सोच भी सकती होगी समझे ना। मैं ऐसे भी कमा रही हूँ, ऐसे भी कमा लूंगी, अकेले रह लूंगी आपके जैसे शेर के साथ नहीं रहना, जो मुझे रोज मारता पीटता है, जब भी मैं इसे पैसे नहीं देती ना आगे मुझे मारता। तेरी ओए तेरी बहन तेरी कंप्लेंट करा रही है, तेरे को दिक्कत हो रही है? तू तो झूठा नहीं है ना, तू तो सच्चा है ना, तो तू क्यों डर रहा है? तेरे नाम की कंप्लेंट करा रही है साले, तू अपनी बहन से पैसे लेता और जब पैसे नहीं मिलते